स्वरूप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारे चैनल हरियाणा अपडेट डेली न्यूज। देखिए आपको बताता हूँ रेवाड़ी में हुई जमकर बारिश और आपको बताता हूँ बाजारों के अंदर अगर देखने को हमने जब पता चला तो देखने को मिला कि कई जगह ऐसी है जहाँ पर पानी नहीं निकल पा रहा है, मतलब नाली वाली के अंदर नहीं जा पा रहा है और इससे कुछ जगह रेवाड़ी के अंदर पानी बहुत ज़्यादा सड़कों पर भर गया है। इससे जो आमजनी है या फिर हम कह सकते हैं जो लोग पैदल जाने वाले हैं या बाइक वाइक पर जाने वाले हैं उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखते हैं कि कैसे क्या होता है, लेकिन देखिए ये कोई नई बात नहीं है, हर बार जब बारिश होती है हर बार ऐसा ही होता है। हालांकि कुछ जगह अच्छा मतलब काम किया है वहाँ पर पानी निकल जाता है, लेकिन कुछ जगह अभी भी है जहाँ पर पानी नहीं निकलता, घुटनों तक भी पानी भरा हुआ होता है। लेकिन सरकार से यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द इनका भी निपटारा करवा दे सरकार। इसके बाद दूसरी बड़ी खबर देखिए, आज से खुलेंगे स्कूल। आप सभी को पता है कि गर्मियों की छुट्टी लगभग ज़्यादातर स्कूलों के अंदर ओवर हो चुकी है, मतलब खत्म हो चुकी है और अब आज से स्कूल खुल जाएंगे। गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी हॉस्पिटल जो भी हम कह सकते हैं स्कूल वगैरह वो सारे आज से खुल जाएंगे। और आपको एक और बात बता देता हूँ कि जिन भी लोगों को वोटर आईडी बनवानी है, वेरिफिकेशन वगैरह जो भी अपना करवाना है वो जल्द से जल्द आप करवा सकते हैं, वो भी काम चल रहा है। और इसी के साथ साथ इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन के चलते बच्चे एंट्रेंस का पूछ रहे थे, तो 4 तारीख से एंट्रेंस एग्ज़ाम लगभग बताया जा रहा है कि शुरू हो जाएंगे 4 तारीख से। तो जिन भी बच्चों का है तो आप अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम जरूर देने जाएँ। और रेवाड़ी की पल पल की अपडेट जानने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए रेवाड़ी की छोटी से बड़ी सारी अपडेट हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले मिलेंगी और हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाते कि वह आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। इसी के साथ धन्यवाद।